केशव आर्य केशव भाल सामने आते नारद जी रफू चक्कर। जैसे ही भोले बाबा पहुंचे मैंने रानी ने देखो कि जिद्दू लायक हाथ दे दी है उल्टे बैठे मोतो पीठ तले को पीछे को अभी जिद्दू लायक पूजा कर लो तो मैं नंदी की पूजा कर लो नंदी की पूजा कर लो। मैंने रानी बोली ने दूल्हा के मोह तो देख लो कैसे मोह है क्योंकि ज्यादातर पोटी के माता बहने सभी दूल्हा देखेंगी दूल्हा कैसे हो। मैंने रानी पूजा की थाली लेके जो दूल्हा के मोह तन को आई एक सर्प ने फुसकार मारी तो थाली कहूं मैंने रानी बेहोश हो जैसे तैसे घबराई के उठी नगर में खलबली मच गई नगर निकट बरात जब आई और पुर खरभर शोभा पूरे नगर में खलबली मच गई। बड़े बड़े सर्प है दो चार सर्प को नगर में छूट गए तो जयराम जी अब तो छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ी लेके भागे बोले माँ फापा फापा फाटे बंद करो फाटे बहुत से शब्द भी निकले फाटे बंद सर्प आ जाएगा तो खा जाए पूरे नगर में एकदम खलबली। मैना रानी पहुंची मैना रानी ने पार्वती गोदी में बैठा लिया तुम सहित गिर से गिरो पावक में जरो जलनिधि में परो घर जाए अपयस हो पर जीवत विवाह न हो करो कुएं में गिर जाऊंगी अग्नि में जल जाऊंगी पर्वत से गिर जाऊंगी पर ऐसे दूल्हा के संग में मैं तो ब्याह नहीं करेगा। अब देखिए बरात में तीन बातें होती हैं सब जानते हैं पर हम बताते हैं तीन बातें कौन कौन सी। बराती तो क्या कहते हैं हमन तो चकाचक खाइबे को मिल जाए और दूल्हा के पिताजी कहते हैं कि मुझे तो टनाटन मिल जाए और दूल्हा कहते हैं मुझे तो सुंदर कन्या मिल जाए सब बाड़ में जाए। ये तीन बातें विवाह में होती हैं। अब तो भगवान विष्णु ने कही भोलेनाथ कछु वासना ने हाथ जोड़ के विनती ने मन लड़ुआ पूरा मिलवे भाई नाने तुमने अपना रूप सुंदर बना लियो सुंदर रूप बना लो कोई बात नहीं है हमारी इति करती है आपसे। जब भगवान विष्णु कहे भोलेनाथ सुंदर नहीं बने भोलेनाथ ने अपना सुंदर स्वरूप बना लिया ओ शंकर भगवान की जय हो सुंदर रूप बना लिया। अब शक्कर शनिचरी छोटे छोटे बच्चे बोले इन्हें भूख लगी है इनको भोजन करा दो पहले तो जितने भी भंडार थे पकवान जितने भी बने शक्कर शनिचर सब पकवानों को खा गए यहाँ तक सूखे आटे के बोरन में उठाए गए सब जितने भी सब्जी आलू खड़े सूखे रखे थे बिन्ने उठाए गए जो भी बचा समय सब चाट पहुंच के बराबर पर अन्नपूर्णा पार्वती साक्षात देवी थी मैया की कृपा से भंडार वैसे के वैसे ही भर गए। अब तो जन्माष्टमी दे दियो भोलेनाथ दूल्हा बन के माणक मंडप के नीचे आ गई ब्रह्मा जी विवाह पढ़ रहे थे जैसे हमारे शुक्ला जी ब्याह पढ़वी को तैयार है चलो भैया चढ़ाओ मैं चलाऊंगा पढ़े ब्रह्मा जी दूल्हा विवाह पढ़ने हैं भोलेनाथ का तो साकोचार मंगलाष्टक पंडित जी कहते हैं ब्याह में तो साकोचारों में ब्रह्मा जी ने भोले बाबा से पूछे ही भोलेनाथ तुम्हारे पिताजी कौन है। नारद जी बगल में बैठे कही देव नहीं ब्रह्मा जी भोले बाबा बोले के ब्रह्मा जी क्या चलो ठीक है फिर पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी भोले बाबा बोले के समझ को पिता में आऊंगा इधर में विवाह हो रहा है विवाह की रीति से वित्त में बरात बैठी जेबे को पहले गारी गवती आज भी गवती बरात समय ना बफर सिस्टम चल रहा है गार्डन में शादी हो रही है गत्ते गारी का तो कहा गा गई बहू गारी गा ना पा गारी गवी कैसे गवी गारी गाऊं चैत्र पुराण ठाके भूताणा सरदार धतुरो पोयो वन में भांगड़ दी भर लाई थारे ने 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 गारी गाँव से त्रिपुरा
Thank you.
अभी दो शब्द हैं, गारी और गाली। गारी गाते प्रेम में, गाली देती है गुस्से में। जौनहर हुई, विवाह हुआ, विवाह की रीति से कन्यादान हुआ और विदा करी हिमाचल ने भोले बाबा की पार्वती। विदा करी तो खवासी ने आ गई पानी पिवाए में। खवासी ने बोली, भोले बाबा मुझे नीगु तो दे जाऊ, मेरे नीगु तो रहो। भोले बाबा ने की जाए ऐसा नीगु दे दू तो कभो नहीं मिलो। पानी पिवायो पार्वती, वो भोलेनाथ ने गले में थे एक सर्प निकालो ले ये नीगु ले ले। कैसे अपने फुसकार दी तो खवासी ने दौड़ी देके भागी। 33 करोड़ देवता लोट पोट है गए हसी के मारे, या ले गए वापिस काय को कर रही हो, या ले गए तो लेती जाऊ। भोले बाबा पार्वती को लेके कैलाश में आए, रहने लगे। कछु समय व्यतीत भयो। एक दिना पार्वती बोले, भोले बाबा देखो दुनिया मेहनत में रह रही है, अच्छी साड़ी गहने पहन रही है, हम झोपड़ी में रह रही है, वो को तो मेलो बनवाओ। भोले बाबा ने मना करी, क्यों कि सीताराम 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 कहिए और जाई भी तो राखे राम ताई भी तो हमारी भाग्य में तो झोपड़ी लगी है। नहीं नहीं मुझे मेल चाहिए। कहते राजहट योगहट प्रियाहट बालहट। भोले बाबा बोले ठीक है, ऐसी तुम्हारी इच्छा, महल बनवा। विश्वकर्मा को बुलाया और महल बनवा दिया। अब गृह प्रवेश करवे, कथा कहवावे को बुलाओ, रावण बुलायो। रावण बुलाया गृह प्रवेश करने, विद्वान था रावण। रावण ने गृह प्रवेश कराया, मंत्रोच्चारण किया। भोले बाबा बोले कि ऐसा जजमानी नहीं मिलेगो, तुम मांगे ले तैयार दे, दक्षिणा में जो मांगोगे वही दूंगा। रावण बोल तो बोल तो जब मैं ये दे दी। पार्वती बोली जिका ये तो बनो ऐसे ही नहीं बनो, जिको मुझे नहीं दे दे। फिर बोले ना तेरे को और कुछ इच्छा हो तो और मांग लो। देखो जब पार्वती ये नहीं दे दी, बोले ना तेरे का देखो पार्वती भाई। पार्वती को लेके रावण चल दिया। भगवान विष्णु को पता चल गया कि बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान ग्वाल बन के आए, ये सत्य कथा है। ग्वाल बन के आ गए रास्ते में, रावण लेके जा रहा था। भगवान ने कहे रावण किसको लिए जा रहा है? पार्वती। अरे पगले, भोले बाबा असली पार्वती कहूं दे सकते कहूं? ये तो नकली दे दी। पार्वती भी जाना नहीं चाहती थी तो शरीर में दुर्गंध प्रकट कर दी। असली पार्वती के शरीर में तो सुगंध आएगी, ये देखो। अब तो इतनी दुर्गंध प्रकट की पार्वती ने कि रावण नाक को बंद करने लगा, उठा के नहीं रख दिया। मुझे मुझे नहीं ले जानी, नकली को कहीं को ले जाना। आज भी उस वन में द्वैपायनी देवी के नाम से पार्वती का मंदिर बना हुआ है। इधर में भोले बाबा पार्वती के साथ थे, उन्हें महाराज परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी ये तो हमने शिव पार्वती का चरित्र सुना, अब हमें ध्रुव जी का चरित्र श्रवण करा। कहने लगे जायन उत्तान पादस्य सुनीति सुरिस्तस्तयो सुरिचि प्रेसि पितुर नेतराम यस्य तो ध्रुव। उत्तान पाद महाराज थे, हम सभी उत्तान पाद हैं। क्यों? माँ के गर्भ में सब उल्टी आती है, उत्तान पाद है सभी। और सबके हृदय में सुरचि सुनीति रानी बैठी है, सबके हृदय में। कैसे समझो, सुनीति कौन है, सुरुचि कौन है? सुरुचि रुचि माने इच्छा के अनुसार काम मिल गया वही रुचि, और सुनीति नीति, नीति पे चलने वाले कम मिलेंगे और सुरुचि पे चलने वाले ज्यादा। नीति पे बहुत कम चलते हैं, रुचि तो सबकी होती है। हमारे आज तो भोजन ये बन लो चाहिए, आज तो सब्जी ये बने,
आज तो ये काम हमारा हो जाए तब बात बनेगी, एक मकान बनेगा एक और बन जाए तब बनेगी। पर नीति कहती है कि बड़ों का मान सम्मान करो, नीति कहती है कि मर्यादा का पालन करो, नीति कहती है कि अनुशासन का पालन करो, चलती है बहुत कम चलती है। हुआ क्या? पहला विवाह किसके साथ में हुआ था राजा का? सुनीति के साथ। सुनीति महल में आई, सुनीति महल में राजा का दूसरा विवाह भी सुरुचि के साथ में हो गया। अब सुरुचि महल में आई, सुरुचि ने कहा देखो महाराज अब एक बात सुन लो, ये कौन है महल में? राजा ने कहा ये भी रानी है मेरी। देखो महाराज या तो महल में यही रानी रहेगी या मैं ही रहूंगी। सुरुचि ने कह दिया या तो महल में यही रहेगी या मैं ही रहूंगी। महाराज इसको निकालो। राजा मोह फांस में बंध गई सुरुचि के लिए, सुनीति को महल से निकाल दिया। सुनीति कुटिया बना के झोपड़ी बना के महल से बाहर रहने लगी, पर ये गर्भवती थी। समय आने पर सुनीति के बालक का जन्म हुआ, इसके बालक का नाम ध्रुव, और सुरुचि के बालक भयो वाको नाम उत्तम। ये बालक छोटे छोटे बच्चों में खेल ले जाता तो पूछते तेरे पिताजी कौन है, इसे पिताजी का पता ही नहीं। जैसे लवकुश को पता नहीं था, लवकुश का जन्म कहां हुआ? वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। तो लवकुश तो क्या कहते थे कि सीता माता के हमलाल लव कुश है ना मोहमारो, सीता माता के हमलाल लव कुश है ना मोहमारो, लवकुश को भी पिताजी का पता नहीं था। ये ध्रुव जो बालकों में खेलता पूछते तेरे पिताजी कौन है, तो दुखी हो जाता। एक दिन मां से पूछ ही लिया, मां ये बताओ मेरे पिताजी कहां है? बेटा तुझे क्या करना है, कहीं होंगे? नहीं नहीं आज मुझे बता दो, मैंने पिताजी को देखा ही नहीं आज तक। देख बालक वो महल है, वो महल है उसमें तेरे पिता राजा सिंहासन पर बैठे हैं। एकदा सुरुचि पुत्रम अंग मारो पलायन उत्तमम नारक्षंकम भ्रमम राजा विदंत
सुरुचि का पुत्र गोद में बैठा कौन उत्तम राजा की गोदी हुई। ध्रुव पहुंच गए, ध्रुव ने भी चढ़ने की गोदी में इच्छा की। सुरुचि बगल में खड़ी, मुझे कहां जा रहा है? पिता की गोदी में तू बैठने लायक नहीं है, पहले तू भगवान का भजन कर, मेरे उदर में आ, मुझसे जन्म ले, तब तू गद्दी पे बैठने लायक, पिता की गोदी पे बैठने लायक बनेगा। भाग यहां से, धक्का देके ध्रुव को गिरा दिया। ध्रुव की आंखों में आंसू रोने लगे। रोता हुआ ध्रुव मां के यहां पहुंच गया। मां, निर्दयी पिता ने मुझे उठाया तक भी नहीं, मौसी ने धक्का देके नीचे गिरा दिया। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने कहा। मां, मौसी ने मुझे धक्का दिया, पिताजी सिंहासन से देखते रहे, मुझे गोदी में उठाया तक नहीं। अब मां मैं वन में तपस्या करने जाऊंगा और तपस्या करके उन परम पिता के दर्शन करूंगा और वो परम पद प्राप्त करके रहूंगा जो आज तक किसी ने नहीं पाया। और कहा, सुनी थी कहने लगी, बालक सत्यम सुरचाम भवान में युद्वाग्रे स्त्रे वृक्षलती बरे संवृत्तस्मम। सुरुचि ने सही कहा, तू जा भगवान का भजन कर। देखिए पंचवर्षीय बालक पर मां के हृदय में दुख होने लगा। मैं बालक तेरे सहारे तो कुटिया में रह रही थी झोपड़ी में, और तू भी चला जाएगा तो किसके सहारे जीवन व्यतीत करूंगी। मोह आ गया, एक और मोह, एक और ये भी कि जाएगा तभी तपस्या करेगा तभी परम पद मिलेगा। दुविधा में बात पड़ गई। ध्रुव ने कहा, मां
चिंता मत करो, निश्चिंत रहो, वन में जाऊंगा तो परमपिता ही मेरी रक्षा करेगा। वन में मुझे आशीर्वाद दो। ध्रुव ने माँ के चरणों में नमन किया, माँ ने आशीर्वाद दे दिया, ध्रुव जाओ। मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, ए परम ब्रह्म परमात्मा, मैं अपने नन्हे से बच्चे को तेरी गोदी में फेंक रही हूं। तू ही इसकी रक्षा करना, मेरा बालक तेरी गोदी में आ रहा है, इसे कोई हिंसक जीव जंतु नहीं खा जाए, तुम ही देखना, तुम ही रक्षा। मां से आशीर्वाद लेके ध्रुव चल दिया। नारद जी ने जाके राजा से कह दिया, महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? ध्रुव तो मन में तपस्या करने जा रहा है, कहीं उसे हिंसक जीव जंतु खा गए तो कलंक तुम्हें लगेगा। राजा ने कहा, नारद इधर आओ, जल्दी जाओ, ध्रुव को वापस ले आओ, मैं उसे राजा बना दूंगा। राजा को मोह आ गया। नारद जी गए ध्रुव के यहां, जा रहे थे। नारद जी पहुंचे, ध्रुव कहां जा रहा है? जो ध्रुव ने देखा वो महात्मा चरणों में नमन किया। नारद जी समझ गए कि पहली परीक्षा में पास आए, इसके अंदर नमन करने की आदत तो है, अब से ये अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। कहां जा रहा है? तपस्या करने जा रहा हूं। क्यों? उस परम पिता के दर्शन करूंगा और परम पद प्राप्त करके रहूंगा जो आज तक किसी ने नहीं पाया है। अरे तू वापिस लौट जा, तेरे पिता तुझे राजा बना देंगे। तुमने विचार किया? जब परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तब तो राज्य मिलने लगा। मुझे राजा, अपने पिता का राज्य मुझे नहीं चाहिए, ऐसे ही राज्य देने वाले थे तो मुझे उठाया क्यों नहीं, निर्दयी क्यों बनी? अब मैं वापस महल में लौट के नहीं जाऊंगा, क्योंकि बालक तुझे हिंसक जीव जंतु खा जाएंगे। ध्रुव ने क्या कहा? नारद पहले ये बताओ, तुम असली नारद हो कि नकली नारद हो? नारद जी बोले, जी क्या कह रहे? असली नारद होते हैं तो यूं नहीं कहते कि खा जाएगा, मैं जिसके भरोसे जा रहा हूं वो मेरी रक्षा करेगा, मुझे क्यों खाएगा कोई? तुमको विश्वास नहीं है भगवान पे? नारद जी समझ गए कि मुझे पक्का है वापस नहीं लौटेगा। नारद जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। बालक मधुवन में चला जा, वृंदावन में मधुवन है, मधुवन में चला जा, एक पैर के बल खड़ा हो जाना, भगवान का भजन करना, तुझे परमात्मा मिल जाएगा। नारद जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। ध्रुव चल दिया और क्या कह रहा है? यदि नाथ का नाम दयानिधि तो दया भी करे कभी न कभी। Yeah.
में विचार कर रहा है, यदि नाथ का नाम दया निधि है दया भी करेंगे तब भी पहुंच गया कहां मधुबन में, जो यमुना के किनारे मधुबन है, मधुबन में पहुंचा एक पैर के भर खड़ा हो और मन भगवान के चरणों में लगा लिया, गोविंद धाम दर माधवी कृष्ण सखी माधवी गोविंद। पहले महीने फलों का हार किया, दूसरे महीने पत्तों का हार, पत्तों का हार भी छोड़ दिया, जल का हार, जल का हार भी छोड़ दिया, वायु का हार, वायु का हार भी छोड़ दिया। अब जैसे ही छूटा देवराज का सिंहासन हिल गया, देवराज घबरा गया, को मैं सिंहासन लेने को तपस्या कर रहा हूं, रुचि मुंह से धक्का नहीं देती, कटु वचन नहीं देती, तो आज प्रभु के दर्शन मुझे नहीं होते। महल में आरती उतारी, सुरची मौसी ने सुनीति ने ध्रुव की आरती उतारी और महाराज ने तो जाके ध्रुव को सिंहासन पर बैठा दिया, राज तिलक कर दिया, ध्रुव को राजा बना दिया। इसका भाई उत्तम ध्रुव का सुषुमार की पुत्री भृपी के साथ में विवाह हुआ, ध्रुव राजा है, राजा सच्चा कौन होता है, तुलसी बाबा ने बताया कि जासु राज प्रिय, जासु राज प्रिय प्रजा में प्रजा दुखी, वो राजा तो नरक का गामी बनता है, ध्रुव जी के राज्य में किसी को कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही एक महाराज थे, वो कौन थे, भगवान के भक्त, एक राजा भगवान के भक्त थे, 2 घंटे भजन करते थे, किसका, भगवान कृष्ण का। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं जिस समय भजन कर रहा होगा उस समय कोई भजन में विघ्न करेगा उसे फांसी दे दूंगा, ये राजा का ऐलान था। दुश्मन राजा को पता चल गया बड़ा मौका है, 2 घंटे में तो राज्य लूट लेगा। दुश्मन राजाओं ने आके चढ़ाई कर दी। अब नगरवासी विचार करते हैं जो जाएगा उसे फांसी लगेगी, अब राजा से कौन कहे कि दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, आक्रमण होने वाला है, खजाना लूटने वाला है, अब क्या करें। नगरवासियों ने कहा एक बात करो, राजा की मां को पहुंचाओ, मां को फांसी नहीं देगा। नगरवासियों ने मां से कहा मैया तुम जाओ और राजा से कह दो नहीं तो खजाना लूटने वाला है। मां गई, मां ने कहा बेटा राजा आ गया, चढ़ाई कर दिए, खजाना लूटने वाला है। राजा ने क्या जवाब दिया, मां मैं जिसका भजन कर रहा हूं वही रक्षा करेगा, तुम जाओ। मां चली गई। भगवान ने सोचा ये तो मेरी भरोसे, भगवान ने राजा का भेष बनाया, घोड़े पर चढ़े और नगर से बाहर आए, भगवान ने पूरी सेना को मार दिया, उस राजा को रस्से से बांध के युद्ध के मैदान में डाल दिया। अब राजा का भजन पूरा हुआ, 2 घंटे हुए, राजा ने की देख तो लोगों को खजाना लुट तो नहीं गए, राजा वही चिंता थे। बाहर घोड़े को देखा तो घोड़े के पसीना आ रहा था, राजा के घोड़े पर सवारी करी भगवान ने, घोड़े के पसीना आ रहा था। बाहर निकले सेना मरी हुई जली, राजा रस्से से बंधा हुआ डला है। राजा ने कि भैया तुझे किसने बांधा, महाराज जो कह रहे हो कौन है बांध, तुम नहीं तो बांधो, मैं तो भजन कर रहा था।
अच्छा झूठ भी बोलते हो, मुझे पता चला तुम तो बहुत बड़ंकाली निकले, तुमने मेरी पूरी सेना मार दी तो मुझे भी बंद दिया, मुझे ऐसा पता होता तो मैं चढ़ाई नहीं करता। राजा को विश्वास हो गया कि ये काम मेरे प्रभु का है, मेरे प्रभु ने इतना कष्ट उठाया मेरे ऊपर, मेरा भेष बनाया, सेना को मारा, राजा को तुम्हें बांधा। बस उसी दिन से राजा ने विचार किया अब इस महल में मैं नहीं रहूंगा, अब तो मैं रात दिन प्रभु की भक्ति ही करूंगा। उसी दिन से राजा ने महल का त्यागन किया और प्रभु के चरणों में रात दिन मन लगाया, भगवान की भक्ति करने लगा, नगर से बाहर चल दिया। इधर में ध्रुव राजा अपने ध्रुव का भाई उत्तम वन में शिकार खेलने गया, वो कहां पहुंचा, अलकापुरी। अलकापुरी में कौन रहते थे, यक्ष। यक्षों ने मिलके ध्रुव के भाई उत्तम को खत्म कर दिया। अब भाई का बदला लेने भाई को तो दुख होगा। ध्रुव ने धनुष पर बाण चढ़ाया, पहुंच गए अलकापुरी के पास में, शंख बजाया, संकट ध्वनि कर दी। अलकापुरी के यक्षों ने चारों तरफ से आके ध्रुव को घेर लिया। ध्रुव तेरे भाई को उत्तम को मारा है, वहीं तुझे पहुंचा देंगे। ध्रुव कोई मार सकता है, परमात्मा का आशीर्वाद जिसके साथ था। जाको राखे साईया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग भेरी कोई। ध्रुव ने बाणों की वर्षा कर दी और हजारों यक्षों को खत्म कर दिया। नारद जी आ गए, बालक ये क्या कर रहा है, तेने अपने एक भाई के बदले में कितने यक्ष मार दिए, युद्ध बंद कर दे, युद्ध बंद कर। ध्रुव ने युद्ध बंद किया, महल में आए, सिंहासन पर बैठे। 26,000 वर्ष ध्रुव ने राज्य किया। इसके उपरांत विमान आ गया, ध्रुव विमान में बैठ गए और जाने लगा। ध्रुव ने कहा मेरी माँ कहाँ है, माँ को देखा तो माँ आगे जा रही थी, माँ का विमान आगे और ध्रुव का विमान पीछे। ध्रुव को वो कर्म पद आज भी उत्तर दिशा में जब विवाह होता है, विवाह में पंडित जी 7-5 वचन कहते हैं, तो वचनों में क्या कहते हैं, साक्षी करते हैं कि अग्नि साक्षी करें तो हवाला पूजा चाहिए, और सूर्य भगवान को साक्षी करें तो दिन में रात में नाने, चंद्रमा को साक्षी करें तो रात में दिन में नाने, वो बराती में साक्षी करते हैं तो लड़ुआ पूरी खाए हुए जवाल जा रहे हैं। विवाह में ध्रुव जी महाराज को साक्षी करके और वर कन्या से हाथ जोड़वाती है उत्तर दिशा की, साक्षी किया ध्रुव जी महाराज का। बोल भक्त चलो भगवान की, यहाँ थोड़ा सा विराम, उसके बाद में पुनः कथा। एक भजन हरिहर की जय Yeah.
Oh,
बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। कथा विराम से पुनः कथा की ओर। अभी ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुना। पंचवर्षीय बालक ध्रुव देखा दृढ़ संकल्प से बीड़ी दुविधा की बीड़ियां कट जाती है। यदि दृढ़ संकल्प होगा काम सफल होगा। बताया है कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत पार ब्रह्म को पाए मन ही की परती। मन सबसे बड़ा है। कैसे संत भगवान की जय हो। भगवान ने कहा नारद मेरे वाक्य खाली जाएंगे तेरे मेरे महात्माओं के वाक्य संतों के वाक्य कभी खाली नहीं। क्यों क्यों नहीं जाते हैं? संत भगवानों ने मेरे नाम पर अपना घर छोड़ा गृहस्थी छोड़ी धन संपत्ति छोड़ी सब कुछ छोड़ा और रात दिन मेरा भजन कर रहे हैं तो क्या मैं उनकी बात नहीं रखूं? इसलिए मैं उनकी बात रखता हूं। चलो कथा की ओर चलते हैं। पुनः महाराज परीक्षण ने कहा सुखदेव जी अब हमें राजा वेणु की कथा सुनाओ। सुनीत अंगस्या पत्नी सुसुवी बेन मुलवनम यदुशील्यास राजर्षि निर्विष्णु निर्गतात् पुरातः। अंग के सुनीता नाम की रानी थी जिनके माया भयंकर बेन नाम का पुत्र हुआ जिसकी दुष्टता से राजा अंग बैरागी होकर के वन को चले गए। क्यों चले गए? बालक का जन्म हुआ किसका? बेणु का। जब जन्म हुआ तो कहते हैं जन्म से ही सपूत के पाप पालने में दिख जाते जैसे दुध का लीक। बेणु बड़ा हुआ उपद्रव करने लगा अत्याचार अन्याय करने लगा। जवान हो गया तब तो किसी को मारना किसी को लूटना किसी के घर में आग लगा देना। ऋषि मुनि कोई भजन कर रहा है तो कमंड लेके भाग जाना दाढ़ी में आग लगा देना। जब अन्याय अत्याचार अधर्म बढ़ गया शिकायत आती महाराज तुम्हारा बालक उद्दंड है उस फलाने व्यक्ति को कुएं में डाल दिया उसके घर में आग लगा दी। बताया है वेद में क्या बताया है? अजात मृत मूल केसु मृता जातो सतो दुर्गम तस्तो स्वल्प दुखायो यावत जीवम जड़ो रहे। अजात मृत मूर्ख केसु मूर्ख पुत्र से तो मर जाना अच्छा है। क्यों? तो जिंदा रहेगा तो जीवन भर दुख देगा मर जाएगा तो थोड़े समय के लिए दुख देगा। क्यों? मूर्ख के पांच चिन्ह होते हैं। मूर्ख किसे कहते हैं? पांच चिन्ह होते हैं हटी चापरी बाधित परोक्षम नैव मन्यते। मूर्ख किसे कहेंगे? नहीं मैं कह रहा हूं तो सही है तुम कह रहे हो तो सब झूठा होता वो मूर्ख। मैं कह रहा हूं तो होगी नहीं बात सच्ची है वो मूर्ख। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम सत सुख रहे सत संगत पाई और पारस परस उधात। सत सुधर जाएगा पर मूर्ख नहीं सुधर जाएगा। वेणु की दुष्टता से अंग महाराज ने रात्रि में पिछले पहर में पिछला पहर कौन सा होता है? चार से छह ब्रह्म मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बुद्धि तीव्र होती है। सदाचारिण नरक कीर्ति भूतिम शलभते। सदाचारी मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है। पर सदाचार है क्या? प्रभात काले उठायो, सवेरे उठो, धर्मार्थे चांद चिंतयेतो, धर्म की चिंता करो, गुरुन अभिवादयेतो, अपने से बड़ों को, गुरुओं को, माता पिताओं को नमन करो। भगवान राम क्या करते? प्रातः काले उठे के रघुनाथ, प्रातः काले उठे के रघुनाथ, भारत पिता गुरु नमन करो। नमन से क्या होता है ये भी समझो। नमन से चार बातें आती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्य प्रद्योप सेवनम चत्वारते प्रवर्धन्ते आयु विद्या यश और बल। ये चार चरण छूने से मिलते हैं। चलो वही कथा की ओर। बेणु की अत्याचार से पिछले पहर में महाराज अंगने महल में से कोई और था, कल होगा कोई और। भजले हरि हरे मूरख भजले हरि हरे, त्याग दे झूठा मान गुमान, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कोई तेरे पाप का, जो पाप कर रहा है नहीं तू, कोई तेरे पाप का भागन बांटन हार, और पछताएगा मौत जब आएगी तेरे। मृत्यु आती है तो पाप का हिस्सेदार कोई नहीं होता है, वो लेखा जोखा यमराज के यहां देना पड़ेगा तुझे। इसलिए राजा मान जा, कोई बात नहीं है। क्यों? पाप का हिस्सेदार कोई नहीं होता है। देखा वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी वन में कोई रास्ता की निकलता, उस निकलता उसे लूटते। एक दिन सप्तऋषि आ गए, सप्तऋषि आए, वाल्मीकि जी की निगाह पड़ी, बाबा खड़े रहो।
सब तो ऐसे खड़े रह गए, क्या बात है भैया, ये कमंडल दो, बिस्तर दो, जो हत्या सामान था समझ दो। क्यों भैया, क्यों लेता है? अरे मैं अपने परिवार वालों की पूर्ति करता हूँ, लूटने का मेरा काम है, चोरी करना मेरा काम है। लूट तो लियो, ले तो लियो, पर तू घर जाके ने पूछा घर वालों से कि जो पाप करता है उसमें घर वालों का हिस्सा है क्या? फिर भले ही ले जाना, बोले यही रहना, भागना मत। सब तो ऋषि वहीं खड़े रहे। वाल्मीकि जी घर पहुंचे, घर वाले तो तैयार बैठे, कछु माल ला रहे होंगे। घर वालों ने क्यों आई, कछु लाए नहीं, कुछ माल मिलो नहीं? क्या जवाब दिया सब ऋषि? कहने लगे वाल्मीकि जी, बोले भैया लाओ तो सही, पर तुम यो बताओ, मैं पाप करता हूँ ता मैं तुम हिस्सेदार रहता हूँ पाप के, भागीदार रहता हूँ। घर वालों ने मना कर दिया, हम पाप के भागी नहीं, हम तो खाईवी के भागीदार। लौट के वाल्मीकि जी गए, सप्तर्षियों ने पूछा क्या जवाब मिला? मने कर दिया, हम तो खाईवी के हिस्सेदार हैं, पाप के भागीदार, तो तू अकेला अपने लिए क्यों पाप कर रहा है? तो मैं क्या करूं कि तू राम राम कहे, कि मैं राम तो आगनी मारे जरूर, मैं मरा मरा कह सकता, चल तू मरा ही कह, मरा मरा मराम कहो तो राम राम आ जाए, जल्दी जल्दी मरा मरा राम राम कहो तो राम राम आ जाए। उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म, वाल्मीकि ब्रह्म के समान ज्ञाता बन गए। चलो वही कथा की ओर चलते हैं। भेड़ू को समझाया, मान जा राजा, वो नहीं माने, दुष्ट मानेगा नहीं, मूर्ख नहीं माने। हुंकार मात्र से ही भेड़ू का बध कर दिया, क्यों संतों की वाणी ही बज रहे, मुंह से निकल जाए हो गया। अब उनकी मिट्टी रखी हुई है, लाश को मिट्टी ही कहते हैं, भेड़ू का शरीर रखा है, शरीर का मंथन किया, जंघा का मंथन किया, काला कलूटा पुरुष प्रकट हो गया। कौन? निषाद, जो वनों में रहती है, काल कमर से नीचे कौन रहता है? पाप रहता है। काला कलूटा पुरुष प्रकट हो गया, जो निषाद है, भील कोल के रात है, वनों में आज भी काले ही है। भुजाओं का मंथन किया, जिससे जोड़ा निकला, प्रथु महाराज और अर्ची रानी, या के मंथन से प्रथु महाराज का प्राकट हुआ। ये 24 अवतार में से नवा अवतार है, अर्ची रानी और प्रथु महाराज। अब राजा किसको बनाया? प्रथु महाराज को राजा बना दिया, और कोई था ही नहीं, प्रथु को राजा बनाया, अर्ची रानी थी, अब प्रथु महाराज को भक्त थे, क्योंकि धर्म रहता है कमर से ऊपर, दोनों हाथों में, गर्दन में, सिर में धर्म रहता है। गद्दी पे बैठे, अब वही बात आ गई, यथा राजा तथा प्रजा। प्रथु महाराज ने तो ऐलान कर दिया, सब भक्त भगवान का भजन करो, संत महात्मा भजन करो, यज्ञ कराओ, पर एक विशेषता बड़ी थी, जो पृथ्वी आवश्यक वस्तुएं थी सबको निकल गई, न तो जल मिल रहा था पीने को, न भोजन मिल रहा था, न फल मिल रहे थे, न साग सब्जी, कुछ भी नहीं मिलता मिलना था, पृथ्वी ने अपने गर्त में रख लिया। अब बड़ा कष्ट, भोजन नहीं मिले, तो सिंधी एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं, कि खाना पीना जीना नो, और जीना खाना पीना।